हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नोटिस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से, ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस है कि मतलब आपको एग्ज़ाम कैसे देना है और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में मतलब आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है, तो सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या उसको फॉलो करना आसान होगा, मतलब क्या जो जो सुविधा मतलब उसमें बताई जा रही है वीडियो में, जो बताएंगे हम कि वो चीज़ वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं कि नहीं, तो वीडियो उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे तो देखिए, जो नोटिस आई है तो APJ अब्दुल कलाम यानी कि AGATE यूनिवर्सिटी के लिए है। तो देखिए, AGATE जो यूनिवर्सिटी है हमारी, तो उनका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी ऑनलाइन मोड में उनका भी हो रहा है, तो हमारा भी ऑनलाइन मोड में हो रहा है। और दोनों लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है एक ही मतलब जो वो है कंपनी जो है एक ही कंपनी है, तो वही कंपनी करा रही है। तो जो दिशा निर्देश इनके लिए होंगे वही दिशा निर्देश हमारे लिए भी होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, अभी तक तो हम लोग के लिए यानी BTUP के लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, तो बाकी यहाँ पर देख लीजिए ऐसा ही आपका भी रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि विषय कि सत्र 2021-2021 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने के संबंध में, ऑनलाइन मोड कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएँ अपने घर, किसी भी संस्था, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि आप अपने घर पर या फिर साइबर कैफे पर जा करके या फिर किसी भी संस्थान में जा करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आशा करते हैं तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या है कि उक्त के क्रम में परीक्षा सम्पन्न कराए जाने हेतु, यानी कि उसके क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हैं, तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके सम उस उसको ले उसके बारे में बात कर रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, AGATE की नोटिस है ये, तो उनमें देखिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सेम इसी टाइप का कुछ हमारा भी होगा, यानी BTUP वाले के लिए होगा। तो देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे है कि पहला दिया गया यहाँ पे कि यदि छात्र के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो आप परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके पास यानी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोडक्ट ऑन लाइव पर्यवेक्षक की देखरेख में, यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक जो है हमको देखेंगे, तो उनके देखरेख में हमारी परीक्षा होगी। तो जो भी आपका परीक्षा कक्ष होगा उसमें कोई आ नहीं पाएगा, मतलब कोई दूसरे व्यक्ति आपके अलावा ना हो, तो यहाँ पे बात कही गई है। तो देखिए, और आपके लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंटरनेट सुविधा की बात कही गई है कि यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो यार देखो, सभी सभी के पास तो इंटरनेट सुविधा मान लो होगी भी तो नेट की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोग के लिए आएगी। अगर ऐसे दिशा निर्देश हम लोग के लिए भी आते हैं तो हम लोग के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं जो, तो उनका जो है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा कक्ष में कोई प्रवेश ना करे, तो यार हम लोग का कहाँ की परीक्षा कक्ष होता है, हम लोग का क्या होता है, कभी हम कहीं पेड़ के नीचे बैठते थे अपना ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं कभी कहीं और, तो यार इस प्रकार से अगर कहेंगे तो मतलब थोड़ा सा हमको लगता है मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बाकी देखिए दूसरा वाला कह दिया कि कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल हो जाए, तो मान लीजिए भी लाइट ही ना हो, तो मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम 10 से 12 के बीच में और लाइट और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादा विद्यार्थी पॉलिटेक्निक के या फिर अदर डिप्लोमा के जो विद्यार्थी हैं ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि गर्मी के टाइम में लाइट वाइट रहती नहीं है। अभी देखिए इस टाइम में भी देखिए हमारे इधर भी जो है कल परसों में लाइट नहीं थी, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कमरा या परीक्षा स्थल में प्रकाश उज्ज्वल होना चाहिए कि इस स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है,
यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश के स्रोत आपके पीछे नहीं होने चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो देखिए, यदि आपके पास मान लीजिए मोबाइल है या फिर उसका कैमरा अच्छा नहीं है, उसका कैमरा भी आपको ठीक करवाना पड़ेगा और उसका माइक्रोफोन जो है यानी जो आवाज़ कैच करता है अगर वो नहीं ठीक है उसको भी आप सही करवा लीजिए। और क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है तो बहुत से लैपटॉप जो होते हैं उसमें कैमरा वैमरा नहीं होता है, तो उसको भी आप सही करवा लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ तक माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा के में प्रतिभाग नहीं करेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाकी देखिए कुछ यहाँ पे तीसरा क्या है कि आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक कापी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं, आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोटेक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। तो देखिए जो क्या कहते हैं, जो हमारा हम पर जो नज़र रखेंगे, जो हम पर गाइड करेंगे, वो मतलब कह सकते हैं कि हमें दिखाइए आपने किया क्या रखा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो जो है आपको साफ कुर्सी पर बैठना है और अपने पास जो है डेस्क पर पुस्तक या कापी नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए आगे क्या है कि आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, तो प्रोटेक्टर का आप यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके आसपास की मेज़ या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, कमरा या परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, संगीत या टेलीविजन जैसी ध्वनि की अनुमति नहीं है। तो यार देखो, यहाँ तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि कमरा शांत होना चाहिए और संगीत या टेलीविजन की जैसी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा तो होना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतलब गाय होती, भैंस होती है, तो उनकी भी आवाज़ें आती हैं, बच्चे होते हैं, तो सारी आवाज़ें आती रहती हैं, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी देखिए पांचवा क्या है कि आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। तो फॉर्मल में बैठना है आपको और अनुशासन में रहना, यहाँ पर बात कही जा रही है। तो और देखिए यहाँ पे सिक्स वाला क्या कह रहा है कि समस्त परीक्षाएँ बहुविकल्पी टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। और सातवां वाला देखिए क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50% तथा समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपको पहले से पता था। और नौ देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी कि अगर चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से केवल आपका एक ही सही उत्तर होगा, तो बात यहाँ पे कह रहे हैं। बाकी देखिए दस वाला क्या लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर से ही करनी होगी। तो सब कुछ यार देखो, सब कुछ मिला करके आपको ही सब कुछ करना है। जो गवर्नमेंट है वो तो जो BTUP है या फिर जो भी एग्ज़ामिनर हैं, मतलब जो भी हमारे एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे पास क्या सुविधा है क्या नहीं सुविधा है। उनको केवल मतलब ये है कि उनको केवल परीक्षा लेना है, आपके पास सुविधा हो ना हो, तो सारी चीज़ें यार आप कहीं ना कहीं से कर लीजिए, नहीं तो आपको भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाकी आप जान ही रहे हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका ही नुकसान होगा, उनका तो कुछ जाएगा नहीं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सावधानियाँ आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारण 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। तो मतलब कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपके लिए 15 इंटरनेट आपका स्लो हो गया, किसी कारणवश कट गए आप, तो अब दोबारा लॉगिन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आप क्वेश्चन करे रहेंगे तो उनका जो है थोड़ा सा विकल्प इधर उधर कर देंगे। मतलब मान लीजिए 15 मिनट के लिए आपने उधर उधर गए तो 15 मिनट में आप लॉगिन हुए, तो उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि हम नकल कर रहे हैं, तो थोड़ा इसीलिए क्या है परिवर्तित कर देंगे। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। तो वही कह रहा बात,
तो परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है, यानी परीक्षा को सही ढंग से कराए करने हेतु यह निर्णय ले रहे हैं। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। तो मतलब सब कुछ करना हम ही को है, उसको जो भी एग्ज़ाम करा रहे हैं उनसे कोई मतलब है नहीं, तो करना आपको आपको ही पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जितनी इसमें बता जा रही वीडियो में आप अपने सुविधा के लिए रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। तो ऑनलाइन परीक्षा इसे मान लीजिए 10 बजे है, तो 9:30 बजे आपको लॉगिन करना होगा। बाकी देखिए 12 क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा, यानी कि जब आपका जो है 1.5 घंटा पूरा हो जाएगा तो 1.45 मिनट बाद आपका जो है प्रश्न पत्र अपने आप सबमिट ले लेगा। बाकी देखिए 13 वाला क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसके विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल या फ़ोन पर एक URL यूजर ID एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे AKTU की बात कर रही हैं, यहाँ पे AKTU की बात की जा रही है। तो हम लोग के लिए BTUP के लिए जो है इस प्रकार से हम लोग के लिए आएगा जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो उससे कुछ दिन पहले 1 हफ्ता पहले लगभग आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। तो सब सारी चीज़ें आप करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आगे कि जिस पर उस छात्र छात्रा के निम्न विवरण देना होगा, उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7/21 से 25/7 तक होगा। तो ये AKTU के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, तो घबराने कोई बात नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि तथा तक और 12/7/21 से 18/7 तक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों हेतु एवं 15/7/21 से 25/7/21 तक अन्य छात्रों हेतु। तो AKTU के लिए यहाँ पे डेट आई है कि रजिस्ट्रेशन की। तो बाकी देखिए यहाँ पे और क्या लिखा है कि सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, इसके लिए उसे विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विश्वविद्यालय संस्थान से भी वेरीफाई कराया जाएगा। छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करानी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर ईमेल ID भी सत्यापित होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें मतलब होंगी अच्छे से, मतलब कोई दूसरा परीक्षा तो नहीं दे रहा है, मतलब कोई फेक चीज़ तो नहीं उसमें, मतलब तो सारी चीज़ें इसीलिए अच्छे से होंगी। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वहीं पर दिए गए संस्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब छात्र छात्रा का एडमिट कार्ड है यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसी स्थान पर अवगत करा सकेगा, मतलब सही करा लेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा, यानी इस प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी देंगे। बाकी और आगे देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी स्वास्थ्य अपरिहार्य परिस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति समान होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप बहाना बनाना चाहें कि स्वास्थ्य हमारा नहीं ठीक है या फिर और कुछ, तो बहाना बनाने से कुछ होगा नहीं, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम देना ही देना है। बाद में भी आपका जो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा, तो मतलब एग्ज़ाम आपको होगा चाहे आप स्वस्थ रहें या ना रहें। यदि आप मान लीजिए आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर बाद में आपका जब आप स्वस्थ आपका ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे 15 क्या है कि ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी छात्र परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग ना कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलम्ब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलम्ब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। तो मतलब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि आपको जो है एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको प्रतिभाग करना अनिवार्य है, अन्यथा की दृष्टि में आपका जो पठन पाठन है वो बाधित हो जाएगा। बाकी देखिए बिंदु 10 का कड़ाई से पालन करना पालन आवश्यक है। तो यहाँ पे जो 10 पॉइंट था उस कह रहा है कि उसका पालन करना आवश्यक है, यहाँ पे दिखा दें आपको। देखिए 10 पॉइंट है कि ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट, तो उचित स्पीड वाला इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि
इसका आप व्यवस्था कर लीजिए। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अतः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षार्थियों में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को शेड्यूल रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समय अवधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कृपया ध्यान दें, आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रैक्टिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की सूचिता को बाधित करती है को उस प्रैक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रैक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अतः कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। तो ये दोस्तों आपको बताते चलें, ये जो नोटिस थी AKTU वालों के लिए थी, तो BTUP वाले के लिए ऐसे ही नोटिस आने वाली है। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा तो जो कंपनी है यही कंपनी मतलब AKTU के लिए भी लागू की गई है और यही कंपनी जो है हमारा एग्ज़ाम भी लेगी, तो इसीलिए हमको लगता है कि सेम टाइप का आपके लिए भी दिशा निर्देश होगा। बाकी आशा करता हूँ कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाएँ वो हमारे छात्र हित में हो, ताकि हमको भी प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में। और बाकी यदि कोई आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो चैनल आप ही के लिए है, मतलब सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।